कैसन बा? ठीक बा? पता चल गया कहाँ आया हूँ? मैं आया हूँ बिहार निवास, और बिहार निवास में दो जगह है इधर खाने के में अंदर, ये बिहार कैंटीन और पोर्ट बेली। तो आइए चल के देखते हैं क्या क्या है इधर बिहार कैंटीन प्लस पोर्ट बेली। मैं खड़ा हूँ अभी पोर्ट बेली के बाहर, आइए थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं इधर का। लिट्टी चोखा भी हम खाते हैं, साथ में सत्तू और रायता खाते हैं। अब हम आ चुके हैं बिहार कैंटीन, और बारी है लिट्टी चोखा ट्राई करने की। देखिए प्लेट में मेरी, देखिए देखिए देखिए, हाय मज़ा आ रहा है देखते ही। ये है लिट्टी, घी डाला हुआ है इसके ऊपर। ये है सरसों की चटनी, ये है हरी, ये है लाल, ये है आलू का चोखा, और ये है बैंगन का चोखा। इसके अंदर सत्तू की फीलिंग लग रही है। और मैं खाने जा रहा हूँ इसको बैंगन के चोखे के साथ। मज़ा आ गया रे। और ये आलू का चोखा, घी डाला हुआ है लेकिन मुझे थोड़ी घी की कमी लग रही है, फिर भी थोड़ा और घी होना चाहिए था। अभी इनसे बोलूँगा वैसे घी लगाने के लिए। अच्छा है, मज़ा आ गया रे, मज़ा। सही में क्या बनाया है? और आप लोगों ने पोर्ट बेली का एम्बियंस तो देख लिया होगा, क्या मज़ेदार है, क्या सेक्सी बना हुआ है, एकदम बढ़िया। इसमें अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है पोर्ट बेली द रूफ टॉप किचन एंड कैफ़े, बट ऐसा रूफ टॉप कुछ नहीं है, ये शाहपुर जाट में है पोर्ट बेली, जो इनका रूफ टॉप वाला है। और अभी हमने जो लिट्टी चोखा उधर खाया है बिहार कैंटीन में, वो 120 रुपये का है, और यही 320 रुपये का इधर है। ये देखिए, हमने ये ऑर्डर नहीं करा है, हमने ऑर्डर करा है ये, जो कि है बिहारी स्टार्टर। मैंने बिहारी स्टार्टर में ऑर्डर करा है पूरी बास्केट, और अब मैं दिखाता हूँ पूरी बास्केट में उन्होंने क्या क्या दिया है। ये दोनों हैं पालक की पूरी, ये दोनों हैं हींग की पूरी, ये है प्याज की पूरी, ये है रायता माय फेवरेट, ये है सीताफल की सब्ज़ी, ये देखिए जिमीगन की, जिमीगन का अचार है, और ये है फ्लैक्स सीड की चटनी। आइए अब इसको चख के देखते हैं कैसा है।
काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको पहले देख के लग रहा थोड़ा पता नहीं गंदा गंदा है। मैं थोड़ा वो करने लग गया था साफ। अब वक्त आ गया है टेस्ट करने का। फ्लैक्स सीड, सीताफल, वाओ, बढ़िया यार। ऑसम। एक बार जिमियन का जो अचार है वो टेस्ट करके बता दो कैसा है। थोड़ा सा लिया, इसके साथ खाया, बहुत बढ़िया। आइए इधर खाइए, आइए आइए खाइए। बारी है नॉनवेज खाने की। मैंने ऑर्डर करा है खड़ा मसाला चिकन, और इन्होंने दिया है ये चिकन सैलड, रायता और लच्छा पराठा साथ में। आइए चख के देखते हैं कैसा है। बिहार में बैकग्राउंड में इंग्लिश म्यूजिक चल रहे हैं। एक मिनट, एक और बाइट टेस्ट करके बता दो कैसा। ये है लेग पीस, बहुत गर्म है बट ठीक है, कोई नहीं। मस्त है भाई, मस्त खाने का। ये जम के खाने का, इधर आने का, थोड़ा महंगा है लेकिन बढ़िया है। तो हमने खा लिया, दो चीज़ें खाई थी, दोनों का बिल मिला के आया है 605 रुपये। टैक्स अगर इंक्लूड करें तो 699, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, GST, ये सब मिला के 699 आया है। खाना बहुत अच्छा था, थोड़ा कॉस्टली साइड पे, पर वन टाइम के लिए अच्छा है। वन टाइम अगर आपको ऑथेंटिक बिहारी खाना खाना है तो इधर ज़रूर आइए। कॉन्टिनेंटल डच के साथ बिहारी खाना इधर बहुत अच्छा मिलता है, तो इधर आके ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।